رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرى. الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. يا إلهي يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور نوجوانوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق مجھے وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بن جائے. بزرگوں اور بھائیوں، آنے والا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. کچھ دنوں کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، اور یہ جب چاند نظر آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے نبی کی یاد میں، اپنے نبی کی محبت میں مختلف قسم کے پروگرام، نعت کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے اپنے نبی کی محبت کو یاد کرتے ہیں. لیکن میں آج اس مہینے کے آنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ 1400 سال ہو جانے کے بعد بھی دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی گاؤں، دنیا کی کوئی بستی، دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو. دیکھیں عزیز بھائیو، آج صبح میں نے ایک روایت پڑھی، ذرا دھیان سے سننا، کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے سورج بنایا، جن کے لیے چاند بنایا. ایک مرتبہ آقا نے فرمایا کہ میں تو اس وقت نبی بن چکا تھا. دھیان سے سنیے، آقا نے کیا فرمایا، میں تو اس وقت نبی بن چکا تھا، ابھی آدم تو پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یعنی ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے مانو ہے، پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، وہ ان کا پتلا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے اللہ نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے اخیر میں پیارے آقا کو بلایا، باقی اللہ کے رسول سے. ارے وہ بات یاد نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح
जन्नत में माँ हव्वा के साथ किया अल्लाह पाक ने, तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहि सलाम से कहा कि जो है तुमने अपनी बीवी का मेहर जो निकाह में अदा करते हैं वो मेहर तुमने अदा नहीं किया। तो आदम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह पाक ये तो जन्नत है, मैं मेहर के लिए क्या, मेहर देना है तो कपड़ा देना पड़ेगा या सोना चांदी या रुपया पैसा देते हैं, मैं जन्नत में क्या दूं मेहर के लिए। आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा, तो अल्लाह पाक ने कहा कि देखो आदम तुम जहां खड़े हो उसके सामने मेरा आर्श है, जन्नत में मेरा आर्श अल्लाह पाक का, उस पर एक कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह के आर्श के सामने एक कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ है, उस पर नजर करो तो उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद। अभी नबी पैदा नहीं हुए, अभी तो नबी के बाप भी दुनिया में नहीं आए, नबी के दादा भी दुनिया में नहीं आए। तो आदम अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी जात है, लेकिन ये मोहम्मद कौन है, पहला मैं इंसान हूं, पहला मैं नबी हूं, तो मुझसे पहले तो कोई आया ही नहीं है, तो ये मोहम्मद कौन है। आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया आदम ये हमारे लाडले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने उनको दुनिया में उतारने का फैसला कर लिया है, हमने उनको जन्नत की चाबी दे दी है, और जो भी उनके तरीके पर चलेगा, जो भी उनके जैसी बात करेगा, जो भी उनके जैसा चेहरा बनाएगा, जो भी उनके जैसी सुन्नत अपनाएगा, जो उस जैसा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं हमने फैसला कर दिया है कि हम उसको जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे। एक बात बताऊं बहुत दिल के साथ, एक बात बताऊं ध्यान से सुनिए, जिंदगी में काम आएगी। अभी हम जुमा की नमाज पढ़ने आए ना हैं, अब जुमा की नमाज पढ़ के घर जाएंगे, रमजान का महीना होता रोजा रखेंगे, भाई रबीउल अव्वल का महीना है तो दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिसकी जो अल्लाह नेकी देंगे, लेकिन हम ये गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं, हमारा वुजू कबूल हुआ, वो तो कबूल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि मेरी माँ बाप की खिदमत कबूल है, मेरी नमाज कबूल है कि नहीं, मेरा रोजा कबूल है कि नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए प्यारे आका अगर आपकी उम्मत कोई भी काम करेगी, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो जिक्र हो, माँ बाप की खिदमत हो, हलाल रोजी हो, कुछ भी हो, अगर वो आपकी सुन्नत पर अमल करके और वो नमाज, वो रोजा, वो जकात, वो अगर प्यारे नबी के तरीके पर होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, तो अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया है नबी जी आप अपनी उम्मत को बताओ हमने वो इबादत उनकी कबूल कर ली, ये अल्लाह का फैसला है। नमाज भी अगर नबी के तरीके पर नहीं है तो कबूल नहीं है, इतनी बड़ी चीज है मेरे भाई। तो मैं बता रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे अल्लाह ताला ने सबसे अखीर के अंदर नबूवत अता फरमाई, लेकिन आपका फैसला तो आदम अलैहि सलाम से बनने से पहले अल्लाह पाक ने ले लिया था। एक मर्तबा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, हमारी माँ है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है, फरमाती है कि मैं घर से बाहर निकली और आका बाहर से घर में आ रहे थे और मैं आपके चेहरे से देख रही थी कि आप बहुत खुश हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत खुश हैं। तो आज आयशा ने कहा कि हुजूर मेरी एक तमन्ना है, आप मेरे लिए दुआ करो। किसने कहा? बीवी ने अपने शोहर को, हमारी माँ ने हमारे आका को कहा कि मेरे लिए एक दुआ करो। तो आका ने फरमाया बोलो क्या दुआ करूं? कहा कि आप एक मर्तबा दुआ करो कि अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत कर दे। हज़रत आयशा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, चूंकि हुज़ूर खुश थे तो आपने हज़रत आयशा की तमन्ना थी। और देखो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, हजरत आयशा को अलग अलग नाम से पुकारते थे, कभी कहते थे आयश, कभी कहते थे हुमैरा, मोहब्बत के साथ। इसलिए अपने घर वालों को मोहब्बत, दूसरे को बहुत अलग अलग लकब देते हैं, ये ने वो ने, देना जिसको उसको 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 ऐसा इस तरह बुलाते हैं
के अल्लाह हो हिफाजत, वो इस तरह लकब देते हैं और इस तरह झिड़कते हैं बीवी को कि बीवी कहते हैं ये नहीं आवे तो अच्छा, रात तक ये नहीं आवे तो अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकब दिया अपने आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हुमैरा आयशा। तो हज़रत आयशा ने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ करो। बोले क्या दुआ करूं? कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, वही बाहर घर में नहीं आए, बाहर खड़े खड़े घर में नहीं आए। ये एकदम से मुझे फिरोज भाई एकदम से हदीस याद आई है, मैं मुझे एक अलग टॉपिक का जिक्र करना है। अभी 10:30 बजे एक बहन का फोन आया था हमारे सूरत के इलाके से। उसने कहा कि कोई दिन खाली नहीं जाता कि मेरा शौहर मुझको गाली ना दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा कसूर क्या है, मैं क्या करूं कि जिससे मुझे वो गाली ना दे। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे पर वो मुसलमान होगा जो अपनी बीवी की गलती को माफ करे। हज़रत आयशा ने कहा कि हुज़ूर मेरे लिए दुआ करो ना। कौन कह रहा है? कौन? बोलो बोलो, हम सब की मां। सहाबियात में औरतों में सबसे ज्यादा दीन का इलम रखने वाली मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अगर किसी मसले की खबर नहीं होती थी और तो तहकीक करते थे कि इसमें सच क्या है, तो सहाबा हजरत आयशा से पूछते थे कि इसमें क्या करने का, ये जायज के ना जायज, और जो हजरत आयशा बताती उस तरह अमल करते थे। इतनी इल्म वाली औरत थी। ये कह रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए एक दुआ करो ना। मेरे लिए क्या दुआ करो? कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल खुश थे, आपने घर के दरवाजे पर दुआ फरमाई, اللهم اغفر لي عائشة ما تقدمت وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت। اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت کر دے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ اس نے جو بھول کر کیا اس کو بھی معاف کر، اس نے جو جان بوجھ کیا اس کو بھی معاف کر۔ کس نے دعا کی؟ ارے بولو بولو، ہمارے نبی نے۔ کس کے لیے دعا کی؟ عائشہ کے لیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کہ اللہ میری عائشہ کی مغفرت کر دے۔ بس اتنی دعا کرنی تھی۔ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी खुश हो गई और मेरे भाइयों इतनी खुश हो गई कि खुश होते होते गिर गई। वो गिर गई खुश होते होते, लोटपोट हो गई। क्या? तो आपने फरमाया आयशा क्या हुआ? कहा कि बस आपने मेरे लिए दुआ कर दी, आपने मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दी, तो अब मेरा तो काम हो गया। तो आप सल्लल्लाह, सुनो सुनो, अब सुनो बहुत काम की बात, ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा उसमें क्या खुश होने की जरूरत है, उसमें क्या बड़ी बात है, ध्यान से, उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने जो तेरे लिए दुआ की ना, क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा फिर ले आयशा मा तकद्दमत व मा ताखरत, ए अल्लाह तो मेरी आयशा की मग़फ़िरत कर दे और उसके अगले पिछले सब गुनाह को माफ कर दे। आयशा उसमें क्या खुश होने की जरूरत है? मैं ये दुआ जो मैंने आज तेरे लिए की है, जो आज मैंने तेरे लिए की है, मैं मेरी सारी उम्मत के लिए हर नमाज के बाद यही दुआ मांगता हूं। मैं मेरी, बोलो बोलो भाई, सारी उम्मत के लिए कौन सी दुआ? जो आयशा के लिए, अपनी बीवी के लिए। आदमी अपने घर वालों को कैसा खाना खिलाएगा? आपने अपने घर वालों के साथ कैसे मोहब्बत करता? अच्छा खाना अपने घर वालों के ना। हुज़ूर ने फरमाया कुछ खुश मत हो, यही दुआ जो मैंने आज तेरे लिए की है। तेरे लिए तो जिंदगी में एक मर्तबा की है, लेकिन मैं मेरी सारी उम्मत के लिए हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूं। अल्लाहुम्मा फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। मेरे भाइयों, मैं और आप क्या नबी का एहसान चुकाएंगे? मेरे जबान में वो ताकत नहीं जो नबी की अखलाक को बयान कर सके। अगर हमें नबी की इज्जत और नबी का इकराम सुनना है तो अबू बकर की जबान चाहिए, अबू हुरैरा के कान चाहिए और सलमान का दिल चाहिए कि जो मर मिटे, जिन्होंने अपने जान और माल और इज्जत और आबरू दीन इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिया। आज फजर के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं।
आपने दुआ फरमाई, मैं मेरी उम्मत के पांच वक्त के लिए दुआ करता हूं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हो गई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है अखलाक। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इबादत गुजार, बहुत तकवे वाला, सब कुछ अच्छाइयां अता फरमाई, लेकिन कुरान करीम ने यूं फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो सबसे बड़ी चीज अता फरमाई वो आपके अखलाक थे। दुश्मनों के साथ जो आपको मारते थे, जो आपको गाली देते थे, जो आपके साथ बात नहीं करते थे, उनके साथ आपने जो बिहेवियर किया, जो आपने उनके साथ अखलाक बरते हैं ना, उसकी बुनियाद पर जो है दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। नहीं समझ में आ रहा मेरे भाइयों? देखो, हुदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई बात मैं कर दूं, खाली बात पूरी ना हो जाए। सवाल यह है कि वो काम जो हुदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं वो मुझे करना है, करोगे? अच्छा, एक किस्सा सुनाता हूं, मैं समझता हूं कि वो किस्सा सुनने के बाद हम सब की आंखों में से आज आंसू निकल आएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां, कितनी बेटियां भाई? हजरत फातिमा, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये चार बेटियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बेटियों का निकाह जो है हजरत उस्मान के साथ हुआ, रुकैया और कुलसुम का, और इन दोनों का इंतकाल हो गया था हुज़ूर। और हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ हुआ, और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह एक सहाबी है जिनका नाम है, ध्यान से सुनना, हजरत अबुल आस इब्ने रबी, इनके साथ निकाह हुआ था। लेकिन हजरत ज़ैनब का निकाह कब हुआ मालूम है? नबुव्वत से पहले, कुरान उतरने से पहले इनका रिश्ता, इनका निकाह किसके साथ हो गया था? बोलो बोलो, अबुल आस इब्ने रबी के साथ। ये मुसलमान नहीं थे उस वक्त, लेकिन जैसे ही कुरान उतरना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब, चूंकि अबुल आस, ध्यान से सुनना, अबुल आस ये मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं है, मैंने इनको बहुत समझाया, ये मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं है। अब कुरान उतर चुका है, अब इस्लाम आ चुका है, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है, अल्लाह ने बता दिया है कि जन्नत वाला रास्ता कौन है और जहन्नम वाला कौन है। अगर अबुल इस्लाम कलमा नहीं पढ़ते, अगर वो मुसलमान नहीं होते तो तेरे साथ एक दिन भी रह नहीं सकते, उनको भूल जाओ। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि आप जो इस्लाम बताए, छोटे छोटे बच्चियां थी घर में अबुल आस से, हुदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बात करो, क्या कुर्बानी आई, शौहर अलग कर दिए गए और अलग जगह रह रहे हैं, बहुत मालदार थे, बहुत मालदार, ध्यान से सुनना, चुनांचे वो इस्लाम नहीं लाए। एक लंबा जमाना गुजरा, कई साल गुजरे, ये अबुल आस इब्न रबी बिजनेस के इरादे से शाम से मक्का जा रहे थे। शाम उस जमाने में बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट था जहां लोग तिजारत के लिए जाते थे, तो माल लेकर मक्का जा रहे थे, तो रास्ता थोड़ा भूल गए, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, रास्ता कौन, अरे कौन, अबुल आस इब्न रबी, ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब के पहले शौहर थे, वो तो बाद में तो मुसलमान नहीं हुए, दोनों को अलग कर दिया था। तो वो मदीने की बॉर्डर में भूल से दाखिल हो गए अपने सवारी को लेकर, तो साहबा ने देखा कि अपनी बॉर्डर में कोई आया है, आज भी कोई इंडिया की बॉर्डर में पाकिस्तान वाले आते तो पकड़ लेते, पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर में तो पकड़ लेते, कि भाई अंदर क्यों, भाई हरेक की एक बॉर्डर है, अरे कितने ही माछीमार लोग पकड़े हैं जो पाकिस्तानी लोग जो इंडिया के बॉर्डर में, गुनाह है ना, तो ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी की बॉर्डर में आप बगैर परमिशन के घुस नहीं सकते। अब वो अबुल आस को पता नहीं था, वो भूल से मदीने की बॉर्डर में, बोलो बोलो, घुस गए। सहाबा किराम में से एक जमात थी जो बॉर्डर की निगरानी कर रही थी, फौज की जो जमात थी, उन्होंने देखा कि भाई वो जानते नहीं थे कौन है, रात का टाइम था,
उन्होंने अबुल आस को पकड़ लिया। उनके पास बहुत माल था, कई जानवरों पर माल पड़ा था उनके पास, क्योंकि वो तिजारत से आ रहे थे, सोना चांदी बहुत माल था उनके पास। तो सारा माल ले लिया, अबुल आस को पकड़ लिया, और रात का टाइम था तो हुजूर को उठाया नहीं, कहा कि दूसरे दिन सुबह में फैसला होगा। ध्यान से सुनना है, अबुल आस घबरा गए, मुसलमान नहीं है, ध्यान से सुनना, मुसलमान नहीं है, और ये पहले शौहर हजरत ज़ैनब के, इनकी छोटे छोटे बच्चे भी थे ज़ैनब के, वो अलग रह रही है। तो अबुल आस ने कहा कि अब तो मैं मार दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं बॉर्डर में बगैर परमिशन के घुसा हूं, तो अब कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। तो पनाह ढूंढने लगे कि कोई मुझे, बहुत सोचा बहुत सब, तो कौन कोई जगह ना दे, तो कहा कि चलो ये मेरी पहली बीवी थी, मैं जाके कहता हूं कि भाई मुझे खाली सुबह तक यहां रहने दीजिए, सुबह मैं हुजूर से मिलूंगा। रात का वक्त था तो लोगों से पूछा कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु का मकान कहाँ है। ज़ैनब, तो कहा कि भाई कौन सी ज़ैनब, यहां तो बहुत ज़ैनब है। कहा कि ज़ैनब बिनते मोहम्मद, यानी मोहम्मद की बेटी ज़ैनब का मकान बताओ। तुम मोहम्मद की बेटी ज़ैनब, कहा कि बताओ। तो किसी सहाबी को पता ही नहीं था कि कौन है। रात का वक्त था, उस जमाने में कोई लाइटें वाइटें तो थी नहीं, तो बता दिया कि वो जो मकान है, हुदूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के साथ हजरत ज़ैनब का मकान था, बगैर शौहर के बच्चों के साथ रहती थी। हुदूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी मां के कमरे में थे, रात का टाइम था, तो अबुल आस को बताया कि ये ज़ैनब का मकान है। तो चुनांचे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जो उस जमाने का जो भी होगा। तो अंदर से पूछा कौन, तो उन्होंने कहा कि अबुल आस। कौन अबुल आस? कहा कि अबुल आस इब्ने रबी। तो रात का टाइम है, क्या है भाई, एकदम से कोई औरत रात के वक्त दरवाजा खटखटाया तो फिर वो खोलती नहीं है। तो उन्होंने बाहर से ही ये कहा कि मैं भटक चुका हूं, मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है, मैं कोई गुनाह के इरादे से नहीं आया हूं, मुझे रात तक का टाइम दे दीजिए, और मुझे मदीने में किसी जगह कोई सोने की जगह नहीं दे सकता, मेरी जान का खतरा है। क्या कहा? मेरी जान का खतरा है, मुझे पकड़ लिया है सहाबा ने। तो देखो देखो इस्लाम कैसा मजहब है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी छोटी जो बच्चियां थी वो सोई हुई थी, उनको उठाया कि देखो अब्बा है, और खुद पर्दे के पीछे चली गई। और एक उस जमाने में जो चादर जो होगा घर में, चटाई वगैरह, वो एक तरफ डाल दी और कहा कि दरवाजा खोल दो और उनको कहो कि यहां आराम से सो जाओ। रात का वक्त पूरा हुआ, फजर की अजान हुई, मस्जिद नबवी में सहाबा की जमात फजर की नमाज पढ़ने जा रही है। तो हजरत, उस जमाने में औरतें भी जाती थी मस्जिद में हुजूर के पीछे, हजरत ज़ैनब भी जल्दी से फजर के वक्त में गई। वो तो चूंकि मुसलमान नहीं थे तो वो तो घर ही में आराम कर रहे थे। कौन? अरे बोलो बोलो बोलो, अबुल आस इब्ने रबी। एक कितना बड़ा मजमा है, उनको आज पहली मरतबा खबर पड़ी होगी कि हुजूर के चौथे नंबर के दामाद अबुल आस इब्ने रबी। अली को तो सब पहचानते ना, उस्मान को तो सब पहचानते हैं, लोग अबुल आस को नहीं पे। कौन है अबुल आस? कसम खुदा पाक की मस्जिद में बैठकर कहता हूं, जुमा का मुबारक दिन है, ये अबुल आस के बारे में हुजूर ने एक मरतबा ये कहा था। क्या कहा था मालूम है? क्या कहा था? क्या कहा था? सुनो, कहा दामाद हो तो ऐसा हो। ये उस्मान के बारे में नहीं कहा था, ये हजरत अली के और किसी के बारे में नहीं, अबुल आस के बारे में कहा था एक मरतबा, क्या दामाद हो तो ऐसा हो। क्यों मालूम? क्यों? जब मक्का वालों ने मेरे नबी को मार मार कर 3.5 साल तक शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया था, थाना बंद, पानी बंद, दरख्तों के पत्ते चबाए, हड्डियां पड़ी हुई थी वो खाई है, इतने सहाबा के बच्चे मर गए 3.5 साल तक मक्के में। ये अबुल आस मुसलमान नहीं थे, लेकिन चूंकि वो ज़ैनब के शौहर थे ना, तो एक मोहब्बत थी अपने सुसर के साथ, जो चुपके चुपके कुछ खाना लाके दीवार कूद कर रोजाना आकर दिया करते थे। किसको? बोलो बोलो किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब वो दीवार कूद कर आते थे तो लोग उनको मारते ही बहुत थे, गालियां ही बहुत देते थे कि तुम गद्दार हो, नहीं ये हो। तो अबुल आस जब दीवार कूदते थे रात के टाइम में, कभी गिर भी जाते थे, तो फिर एक मरतबा हुजूर ने देख लिया कि अबुल आस मेरी खिदमत कर रहा है। उस वक्त आपने कहा था दामाद हो तो ऐसा हो।
क्या मेरे भाइयों, यह है कि चुनांचे फजर की नमाज हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सलाम फेरी तो हजरत जैनब एक ऊंची जगह पर खड़ी हो गई। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेटी जैनब हूं, बोलो क्या हुआ। कहा कि हुजूर रात को मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि भाई वो आदमी आया, मैंने पूछा कौन है, उन्होंने कहा कि मैं अबुल आस हूं और मैं मेरी जान को खतरा है, तो मैंने तो उनकी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल दिया और वो मेरे घर में सोए। तो आपने फरमाया जैनब कोई क्या कहेगा, अगर जो आदमी तुम्हारे निकाह में नहीं है तो आप जो है एहतियात करना चाहिए अगर इस तरह हो। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझ रही थी कि उनकी जान का खतरा था और मैं एक तरफ सोई थी, एक तरफ सोए थे, मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो आप सुलासम कहा ठीक है, चलो वो जो हुआ आप अपने आ जाओ, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अबुल आस को बुलाया, बोले क्या हुआ। देखो ध्यान से, अभी वो मुसलमान नहीं है। कौन? अबुल आस। पूछा कि अबुल, कहा कि हुजूर मैं तो एक बिजनेस के इरादे से गया था, रात को मैं बॉर्डर में घुस गया और आपके सहाबा ने मुझे पकड़ लिया, मेरी जान का खतरा था, तो मैं, मुझे कौन पहचानता था यहां पर, कितने साल हो गए, बस जैनब मुझे पहचानती थी, तो मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए मैं आया था। चलो ठीक है, कोई हरज नहीं, आए, आराम हो गया, खाना पीना हो गया, साहब अपने घर से खाना लाया, उन्होंने खिला, मुजरिम बनकर आए थे, आरोपी थे उस वक्त, तो आरोपी थे ना, चूंकि बॉर्डर में घुसे थे। फिर क्या हुआ देखिए, तो चूंकि औरतों में एक बात हुई कि हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के अगले शोहर आए हैं और इस तरह पकड़ लिए गए हैं और इतना सारा माल है, तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि हुजूर उनको इस्लाम की दावत दो, उनको इस्लाम, वो इस्लाम ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, क्योंकि आज ये मजबूर बनकर आए, अगर मैं इस्लाम की दावत दूं तो हो सकता है कि खौफ की वजह से, अल्लाह अकबर, जान बचाने के लिए करते ना, आज बच्चे लफड़े करते हैं कि ये छोकरी मुसलमान होने का कहती है, निकाह पढ़ा दो, भाई तू भी वेट में पड़ेगा ना, मेरे को भी वेट में पड़ेगा, इस्लाम की बातें समझाते नहीं, कोई लीगली एतबार से कोई इस्लाम, बस एक गंदा ताल्लुक और हो जाता है और फिर वो मसाइल, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है। फिर ये जो मसाइल हो रहे हैं, आप सलाम ने फरमाया, साहबा ने कहा कि उनको क्या करें, इस्लामी दावत है, तो आपने फरमाया नहीं, हो सकता है कि मैं उनको कहूं और वो कलमा पढ़ भी ले, लेकिन वो तो अपनी जान बचाने के लिए या अपने सामान जो उनके पास करोड़ों रुपए का माल पड़ा था उसकी सेफ्टी के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता, उनको तो पहले से खबर है, ये तो मेरे पहले दामाद है, इनको कुरान मालूम है, इनको जन्नत मालूम है, इनको मेरा आना मालूम है, सब मालूम है। तो बोला क्या करेंगे, कहा कि सब्र करो। दो दिन तीन दिन हुए तो घर की औरतों ने भी कहा कि हुजूर के आप उनको इस्लाम की दावत दे दो। अरे चुके ये तो घर के, अरे दामाद, दामाद तो घर का आदमी होता है ना, तो घर की सारी मस्तूरात भी ये चाहती थी कि ईमान ले आए, उनको ईमान की दावत दी जाए। आपने कुछ नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इनका माल जिस जिसने पकड़ा है वो सब यहां जमा करो, जिसने पास जो भी हो, सहाबा कोई सोना ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, सब ने जमा कर दिया। आपने अबुल आस को बुलाया कि तुम्हारा माल इसमें जितना है इसमें कोई कमी तो नहीं है, देख लो। सहाबा कितने अमानतदार थे, किसी को पता नहीं था। अबुल आस ने देखा और कहा कि हुजूर एक खजूर भी कम नहीं है। आहा, सहाबा ने सब माल जमा कर दिया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अबुल आस इसको पैक करो जाओ उसको पे। सहाबियात फरमाया कि सहाबा की औरतें अपने घरों के कोनों में से देख रही थी अबुल आस क्या करते हैं, आज ईमान लाते हैं, अल्लाह के नबी उनको क्या सजा देते हैं। आप देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कैसा मामला किया, हालांकि मौका था उस वक्त,
चुनांचे अबुल आस सामान पैक करने लगे तो मस्तूरात घर से कह रही कि हमको लगा कि अब ये ईमान नहीं, ये तो चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। और सहाबा को हुदूसराम कहा कि उनको बांधने में मदद करो, अपने घर से रस्सियां लाकर इनकी मदद करो। सहाबा बांधने लगे, पूरा सामान पैक हो गया और अबुल आस ने अपने जानवरों पर सामान डाल दिया, अपने कंधों पर डाल दिया और जा रहे हैं। रिवायतों में सहाबा फरमाते हो मंजर हमारी नजरों से नहीं जाता, जब अबुल आस अपना सामान पैक करके मदीने की बॉर्डर से बाहर जा रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे, सारे सहाबियात रो रहे थे, मां जैनब रो रही थी कि आकाश हम तो ये चाह रहे थे कि दामाद आज मुसलमान हो जाते, लेकिन हमारे नबी ने जबरदस्ती नहीं की, हमारे नबी ने कोई चीज इस तरह इतने अखलाक के साथ पेश आए और आपने सारे सहाबा को मां जैनब को रोते हुए देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। जैनब सबर कर, अल्लाह उसको हिदायत के साथ वापस लौटाएगा। जैनब सबर कर, अल्लाह उसको हिदायत, जबरदस्ती नहीं की आपने। कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है आज, सुनाओ अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह अबुल आस का वाकया, ये मोहम्मद पैगंबर के दामाद और जमाई का वाकया है। आप कंट्रोल में आ चुके थे, सामान था, पकड़े जा चुके थे, मदीने में थे, सहाबा सामने थे, आपने जबरदस्ती नहीं की, आपने वो चले गए सामान लेकर, वो मक्का चले गए, ना उम्मीद हो गए, घर में सारे रोते। हजरत जैनब फरमाते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, बाप थे ना, वो भी बहुत रो रहे थे अपने अब्बा को देख करके, चले गए उनको छोड़कर। एक वक्त हुआ, कुछ टाइम हो गया, जो जो सामान था वो सबको दे दिया और सबको देने के बाद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु देखो क्या हुआ, वापस आए। उनके दिल में इस्लाम तो आ चुका था, इजहार नहीं किया, क्यों कि उनके पास लोगों की अमानतें पड़ी थी, जो माल लेकर आए थे वो देने का था सब मक्का में, कि अगर मैं आज मुसलमान हो गया तो लोग मुझसे भरोसा खत्म कर ले, मेरे पास माल था लोगों का, पहले मैं उनको दे दूं। तो पहले वो मक्का गए, सबका माल का हिसाब हो गया और उसके बाद फौरन हजरत अबुल आस इब्ने रबीका आए, मदीना मुनव्वरा आए और मदीना मुनव्वरा आकर फिर तो पकड़ने का सवाल नहीं था, इसलिए कि उनको इस्लाम कबूल करना था। आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, और उन्होंने उस वक्त ईमान कबूल किया है। ये चौथे नंबर की हदीस, इस तरह इस्लाम फैला है अखलाक के साथ, जबरदस्ती क्या चीज है। मैं आपको कितने दिन तक मार कर करूंगा, मैं कितने दिन तक आपको गाली दूंगा। मेरे भाइयों, अखलाक ऐसी चीज है, मोहब्बत ऐसी चीज है, मेहमान नवाजी ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े दुश्मन को आपके सामने अल्लाह खड़ा कर देता है। अखलाक ऐसी चीज है, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अच्छे अखलाक के साथ दुनिया में पैदा फरमाया। जब मुसलमान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद अबुल आस इब्ने रबी का हाथ पकड़कर घर ले गए और जैनब बेटी से कहा, जैनब आज से ये तेरे शौहर है, आज से ये तेरे खाविन है। जो मुसलमान हो गए फिर उन्होंने एक अच्छी, अल्लाह कभी मौका होगा, आज मेरा टाइम हो गया, कभी मौका होगा तो मैं बताऊंगा कि अबुल आस इब्ने रबी जो चौथे नंबर के बेटी जैनब के शौहर है, उसके बाद उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, उनके बाद जो उनकी जिंदगी गुजरी, उन्होंने इस्लाम का वो कारनामा अंजाम दिया है। अल्लाह हम सबको अपने नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस्लाम का सच्चा रहबर बनाए, अल्लाह हमें सच्चाई पर रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। यही चंद बातें थी मेरे भाइयों, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ऐसी ही बातें आज बहुत का आखिरी बात, चूंकि वक्त हो गया, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से आज तुमने मेरी बात सुनी है तो एक बात सुन लीजिए। अभी मैं आ रहा था घर से तो मैंने एक हदीस पढ़ी तो मैं भी एकदम ये हो गया कि यार क्या लिखा हुआ है। हमारे भारत के एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब आबे हयात, किताब का नाम है, उसमें लिखा है कि कोई मुसलमान जिसने दाढ़ी को काट दिया हो, पूरी दाढ़ी काट दी, शेव कर लिया और आईने के सामने खड़ा है, ध्यान से सुनना भाइयों, मैंने उस किताब में पढ़ा, उसके बाद मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं। उस किताब में हजरत ने फरमाया कि कोई आदमी क्लीन शेव कर रहा है और आईने के सामने खड़ा है और खड़ा होकर अपने दिल में यह कहता है कि ओ मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूं,
ये उसने ऐसा दिमाग में तस्वूर पैदा किया और अपनी जबान से कहा कि अब मैं बराबर बहुत अच्छा लग रहा हूं। यूं फरमाया, अल्लाह अल्लाह मुझे तो कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही। उन्होंने फरमाया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी करने वाला है। और हजरत ने तो नीचे ऐसा लिखा है ऐसे आदमी की बीवी भी निकाह में से निकल जाएगी, इसका ईमान का सवाल है, इसलिए कि उसने नबी के चेहरे को पसंद नहीं किया। एक है कि आदमी क्लीन शेव कर रहा है, गुनाह का काम है, लेकिन आदमी यह समझता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, तो मतलब तू ये समझता है कि इसके साथ तू अच्छा लग रहा है, तो बगैर दाढ़ी के क्या मतलब तू अच्छा, बोलो बोलो क्या आया तुम्हारा दिन भाई, समझ में आ रहा है ना? क्लीन शेव को कर रहा है तो ये गुनाह कबीरा है, लेकिन ईमान में तो रहेगा। लेकिन ये समझना कि दाढ़ी में मैं अच्छा नहीं लगता और इसमें मैं बोलो बोलो अच्छा लगता हूं, ये आदमी के लिए बड़ी खतरे की चीज है। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, फरमाए उसको कलमा पढ़ाना चाहिए और उसको वापस अपनी बीवी के निकाह में लाने की उसको ईमान की समझाना चाहिए कि आदमी चुके ये, अरे भाई कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, कभी कभी आता है ना फ्रांस का, तो कितनी हम लोग कितनी पूरे मामलेदार में जाते हैं, कलेक्टर में जाते हैं, क्या भाई हमारे नबी के साथ बेअदबी हमारा ईमान का हिस्सा है। अभी अभी कुछ महीनों पहले माँ ईशा रदियल्लाहु अन्हा पर उन्होंने कैसे कैसे तोहमतें लगाई थी, तो हम खड़े होते हैं ना ईमान की बुनियाद पर, तो मैं चेहरे में ऐसा देख रहा हूँ क्या, अब मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं बहुत अच्छा लगता हूं, तो ये क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है, मुझे ये चेहरा पसंद नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह हमें सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नतें बाकी है इसलिए कि अजान के बाद बयान शुरू हुआ था, सुन्नतें पढ़ ले उसके बाद खुतबा होगा।